तो आज 10 क्लास का लेसन होगा पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये लेसन थोड़ा कुछ लोग का कमेंट था कि छूट गया है सर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भी संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनको तो भाई सब लोग जानता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश महू जिले में हुआ था, महू में। एक दलित परिवार के थे। इनका जाति जो है महार है। माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम जो है रामाजी सकपाल है। इनका विवाह 1906 में रामाबाई के साथ हुआ था। ठीक है, इतना काफ़ी है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए। अब इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव होगा, वो मेन जो है हम लोग का पॉइंट था, उसके ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा फोकस करेंगे। काट दो, रुक जा। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन चैप्टर के लेखक से ही संबंधित होता है हर चीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अभी भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सबको पता है। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद की कौन सी विद्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निबंध। कौन सा आंसर सही होगा, बी निबंध। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निबंध। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है। जाति प्रथा की व्यवस्था, दूसरा है छुआछूत, तीसरा भेदभाव, और डी है सभी गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। ठीक है जी, जाति प्रथा की व्यर्थता। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है सभ्य समाज की, दूसरा है दोन, और दूसरा है असभ्य समाज की। सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ही सही है, और डी ऑप्शन बोल रहा है सभी गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, सभ्य समाज की। श्रम विभाजन कैसे समाज कर सकता है, सभ्य समाज की। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा, पहला है मैक्स मुलर को, नहीं होगा महात्मा गांधी, तीसरा है भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी, भारतीय संविधान के जनक जो है कहलाते हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चला जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। पहला है सती प्रथा, दहेज प्रथा, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है बाल विवाह प्रथा, और डी है जाति प्रथा। सबसे खतरनाक प्रथा यही है, जाति प्रथा। तो आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है किसको, जाति प्रथा को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दलित परिवार में। ये पहले भी हमने आपको बताया था, भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो है हमारे पास चार टोटल ऑप्शन दिख रहे हैं। क्या है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, पहला है बुद्ध, तीसरा है कबीर, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। पहला कार्य अकुशलता, नहीं होगा जाति प्रथा। ठीक है, तो जाति प्रथा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया, अगला क्वेश्चन चला जाए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। शहद की तरह,
दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी है शक्कर पानी का मिश्रण, और डी इनमें से सभी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, सही आंसर का हो जाएगा बी, दूध पानी के मिश्रण की तरह। भाईचारे का उन्होंने मतलब बताया था, वास्तविक रूप बताया था कि दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891। अभी जो है हम इन लोग इस क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मध्य प्रदेश मऊ में हुआ था। ठीक है, तो 14 अप्रैल 1891 पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा जी, मध्य प्रदेश, जो ऑप्शन बी ही सही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, जन्म कब हुआ था तो याद रखना है 14 अप्रैल 1891 को, और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से पूछे गए हैं, हालांकि यहाँ पर दिख रहा है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमने यहाँ जरूर दिखा दिया है। ये क्वेश्चन दोनों ही पूछा गया है, कब हुआ और कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए, 13 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? ठीक है जी, पहला है बंधुत्व पर आधारित, समता पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, और सभी कथन सत्य है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी। ठीक है जी, आदर्श समाज किसे कहा जा सकता है? बंधुत्व पर आधारित हो, समता पर आधारित हो, स्वतंत्रता पर आधारित हो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता और अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? ठीक है, पहला ऑप्शन है अछूतों को, और यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है जी, अछूतों को। ठीक है, क्लियर हुआ, अछूतों को। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्भूत है? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ जो है हालांकि यहाँ ए होना चाहिए, यह ए पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह किस पाठ से लिया गया है? ध्यान से सुनिएगा, जाति जो है आदमी का, यह जो है आपको पता होना चाहिए, मनुष्य की रुचि पर निर्भर नहीं है। ठीक है, और ये कथन जो है किस पाठ से लिया गया है, ये आपको बताना है, शिक्षा संस्कृति से, दूसरा है आपको मछली से, तीसरा स्वतंत्रता से, श्रमिक विभाजन से। तो क्या कहा जा सकता है इस क्वेश्चन में, सही आंसर का हो जाएगा, श्रम विभाजन से लिया गया है। ठीक है जी, यहाँ पर ए, यहाँ पर याद रखेंगे बी ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में ये आपको देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही है, श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन, हालांकि इसमें ऑप्शन जो है 5 यहाँ टाइप है, आपको बस करेक्ट ऑप्शन देख लेना है क्या होगा, श्रमिक विभाजन से। ठीक है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? हालांकि पेपर में यह क्वेश्चन 21 के फाइनल बोर्ड में आ चुका है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित होने के कारण, रुचि पर तो भाई आधारित है ही नहीं, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, सही आंसर का हो जाएगा बी। ठीक है जी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यही तो है, हमारी रुचि पर आधारित नहीं है जाति प्रथा, हम किस जात के हैं ये हमारे रुचि पर निर्भर नहीं है। ठीक है जी, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, 18 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? स्वतंत्रता का, दूसरा ऑप्शन है
भ्रातृत्व का, तीसरा श्रमिक विभाजन का, ठीक है जी, पहले का सी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का, श्रमिक विभाजन का। देखो पाठ में अगर हो तब तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना होगी, पाठ में हो तो उस पाठ से जुड़ी हुई बातें को समझ लेते हो, पेपर में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन को दो बार तीन बार देखना जरूरी है। अब ये तो बातें हैं कि सर पहले का श्रम विभाजन से आप ऑब्जेक्टिव उठाए हो तो श्रम विभाजन हो जाएगा, लेकिन ये बाद में पेपर में दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पता नहीं चलता है किस चैप्टर से था। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिया हुआ है, तो श्रम विभाजन का, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 18-19 नंबर क्वेश्चन, आदर्श समाज हालांकि ये ऑब्जेक्टिव पहले भी आ गया था, ठीक है, उसमें ये ऑप्शन बनाए गए थे, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित तो होगा, किसने कहा था, 20 का ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। पहला है मैक्स मुलर, इसके दो ऑप्शन जो है शेष आपको दिखाई नहीं दे रहे, इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लीजिए भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन नहीं है, वो क्या होगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर लिख लेंगे आप, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, ठीक है। जाति प्रथा, अणुबम, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो गया है ना, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो है जाति प्रथा से विमुक्त हमको रखना, और इसमें ऑप्शन नहीं है, वो पिछला वाला ऑप्शन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेंगे, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है जाति प्रथा से अलग रखना, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है जी, लोकतंत्र, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र, याद रखिएगा भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है जी। ये वाला ऑप्शन इसमें के नहीं होने चाहिए था, इसका सही आंसर आप सुन लीजिएगा, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा से अलग रखना, जाति प्रथा के आधार पर बंटवारा नहीं करना, भाईचारे का दूसरा नाम हो जाएगा लोकतंत्र। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन 19 के पेपर में पूछा भी है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, ठीक है जी, पहला है गरीबी, दूसरा है बेरोजगारी, ठीक है जी, यहाँ बी ऑप्शन होना चाहिए, बी तो बेरोजगारी, ठीक है जी, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी याद रखेंगे, जाति प्रथा का मुख्य कारण याद रखेंगे बेरोजगारी। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए, तेईस नंबर क्वेश्चन आ गया, बुद्धा, यहाँ बुद्धा एवं हिज धमा एवं हु आ सूत्राज के लेखक कौन है, ठीक है, पहला ऑप्शन भीमराव अंबेडकर ही सही हो जाएगा, ठीक है जी, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें तो 23 तो कंप्लीट हमारा हो गया, अगला क्वेश्चन जो है अगले जो है लेक्चर के अंदर देखेंगे, ये 30 वाला क्वेश्चन 23 वाले क्वेश्चन आप रिपीट करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ भी था,